गाइस यार, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि हम जो भी इस वीडियो में करते हैं या दिखाते हैं वो आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में ट्राई ना करें, क्योंकि हम जो करते हैं वो सेफ्टी टीम के साथ और सुरक्षा साधनों के साथ करते हैं, जो कि यूट्यूब के इतिहास का ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट होगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया, और वो मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। तो हमारे पास में है ये किसानों का दवा फेंकने वाला जो छिड़काव करते हैं वो वाला पंप, और उसके साथ में है हमारे पास ये डीजल की कैन। तो गाइस यार, आपको इन दोनों चीज को देख के लग ही गया होगा कि आज हमारी वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस यार, ये रहा अपना पंप, और आज इस पंप में अब हम दवा और पानी की जगह हम डालने वाले इसमें डीजल। तो ये खोल दिया मैंने इसका ढक्कन, और अब इसमें डालने वाले अपन डीजल। और फिर डीजल डालने के बाद हम जैसे इसका जो इंजन है वो स्टार्ट करके जो इसका स्प्रे रहेगा उसमें लगाएंगे आग, और देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। तो गाइस फटाफट मैं डालने वाला हूँ इसमें डीजल, और इसमें मैं डीजल डालने के बाद फिर आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है। गाइस इतना काफी रहेगा ये डीजल, तो चलिए फटाफट मैं लगाता हूँ इसका ढक्कन और फिर करते हैं अपन इसके इंजन को स्टार्ट। तो अब इसमें लगने वाली है आग, यानी ये बनने वाली है फायर गन। तो गाइस यार, स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी जरूरी है, तो सबसे पहले मैं पहन लेता हूँ हेलमेट, और हेलमेट पहन के फिर मैं इसको करने वाला हूँ, फिर मैं करने वाला हूँ इसको स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करने के बाद जो इसकी हमारी जो स्प्रे गन जो गन है इसको दिखानी पड़ेगी आग। तो गाइस चलिए फटाफट करते हैं इसको स्टार्ट और फिर दिखाते हैं इसको आग। तो चलिए मैं कर देता हूँ इसको स्टार्ट, ये कर दिया अपन स्टार्ट, और मैं इसकी जो रेट है वो बढ़ाने वाला हूँ, तो रेट जैसे बढ़ाऊंगा तो इसमें फायर गन बनेगा। तो गाइस देखा आपने हमारी पीढ़ियों में जो हमने जिस इस जो पंप में पानी और दवा की जगह डीजल डाला था, हमने इसको यही दिखाने के लिए डाला था कि जो एक्सपेरिमेंट डीजल वाला है वो काम करता है या नहीं करता है। तो हमने देखा कि ये डीजल डालते ही हमारी एक जो पंप होता है वो फायर गन बन जाता है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।